इधर किशनगंज शहर के वार्ड नंबर एक के काजल नमनी दुषाद पट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपियों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि कजलामानी गांव में दर्जनों दलित परिवार के लोग वर्षों से घर बनाकर जीवन यापन करते हैं, परंतु अचानक कुछ लोगों ने उक्त जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए बरसों पुरानी घर को हटाने की बात कहते हुए मारपीट की और घर के आग के हवाले किए जाने का आरोप लगाया। वही गंभीर रूप से घायल रोहित पासवान ने सदर थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार उन्होंने बताया कि जहांगीर इम्तियाज खलीद, सुन्नी आर्या, मदिस्सर अमित अग्रवाल सहित दो दर्जन से अधिक लोगों ने अचानक उनके घर में घुसकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गया है। कि ये लोग तीन दुष्ट यानी कम से कम 300 बरस पहले से लह रहा है ना। अब पैसा कौड़ी दिया हुआ है, बाकी में पैसा दिया हुआ है लोगों, तो गरीब गुरबा आदमी है ना, लिखता है ना पढ़ता, कुछ जानता नहीं है। अब यही मैटर हुआ है, लोग को बोल रहा है कि जो हमारे साथ में ऐसा हुआ हमारा घर जो है लोग जला दिया है और हम लोग का अभी तक झके वाला नहीं किया। हम लोग 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख जो हम लोग गरीब आदमी है किसी तरह जो है उसको दिए हैं जमीन मालिक को। आज जमीन खाली करने के लिए आया था। हाँ, तो हम तो जमीन खाली करने के लिए आया था और देखे विवाद हुआ था। अभी आज एक कजलामुनी बस्ती में रोहित पासवान जी हैं, और भी बस्ती में बहुत सारे लोग हैं जो लगभग 3 पीढ़ी से वो लोग रह रहा है, 250 साल पहले से रह रहा है। तो जब वो लोग को मालूम हुआ कि जिस जमीन में हम लोग रह रहे हैं वो जमीन दूसरे की है, तो फिर उनसे संपर्क करके उनको पैसा ये लोग जो है अनपढ़ आदमी गरीब आदमी जैसे होता है मजदूरी जन मजदूरी करके सब देना दिया, 2-2.5 लाख रुपया कोई कुछ जितना करके जिससे जिसका हैसियत के हिसाब से दिया। देते हुए ये पैसा मुन्ना चौधरी सबसे लिया। ले लेने के बाद अब क्या हुआ कि सबको एकाएक बोलता है कि तुम लोग पूरा सब घर खाली करो, नहीं करोगे तो हम जो है दूसरे को बेच दिए हैं। बहुत दबंग आदमी सबको बेच दिए हैं। और सन्नी आर्या है जो बाद